Assalamualaikum, Dad. Waalaikum salam. How are you? मुझे मेरी बीवी पे भरोसा है. भरोसा तुम्हें फलक पर है, नसर पर है. अच्छा होगा कि आइंदा हम इस मौसम पे बात ना करें. तुम्हें पसंद मैंने पहले किया था, बस थोड़ी सी देर हो गई. रिजवान जो पहुंच गया था. Just shut up. पैसा छोड़. रिजवान मुझे उसके बात करने का अंदाज ही पसंद है. दिल का बुरा नहीं, उसकी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं. तासीर तो मेरी फिक्र नहीं है, या फिर वो आरिफ पे ज्यादा भरोसा कर रहा है. तासीर की मोहब्बत को तुम्हें कभी सवाल नहीं करना चाहिए. नो डाउट उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है. लेकिन उस अजाब का क्या करूं जिससे मेरे घर में मेरा ही रहना मुश्किल कर. रिजवान कभी कभी भरोसा आंखों की पट्टी बन जाता है. जानम, हाय, क्या हाल है? क्या वैसे क्यों खड़े हो यहाँ? तुम्हें और नसर को देख रहा था. मुझे और नसर को क्या देख रहे थे? वो तुम्हें ड्रॉप करने क्यों आया था? तुमने ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया? यार, मैं ऐसे ही करने वाली थी, लेकिन इतना फोर्स किया उसे लंच के लिए, मुझे करना पड़ा. फिर बाद में वो ही ड्रॉप कर गया मुझे. लंच क्यों? घर पे भी बुला सकती थी लंच के लिए, मैं भी साथ कर लेता, या मुझे वहां बुला ले. आप तो वाकिफ है ना असर की नेचर से. किसी बात के पीछे पड़ जाए ना तो बस करना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा. मैं चेंज करके आती हूँ. खाना नहीं खाया अभी तक? लगाती हूँ मैं आती. क्या रिपोर्ट है? सूरी टेक्सटाइल मिल मार्केट में है, जिसकी हाईएस्ट बिड अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्डमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 180 करोड़ लगाए हैं. आपको लगता है कितनी होनी चाहिए? आई थिंक 200 करोड़. 200 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. आप इसको 190 पे रखें, देखा लो कोई मैच नहीं कर पाएगा. ठीक. बाय द वे, मेरे दोस्त हैं आरिफ, समझ लीजिए कि मेरे भाइयों की तरह है. आरिफ फरहान साहब जनरल मैनेजर है इस कंपनी के. प्लीज कॉफी का कह देंगे? थैंक यू सो मच. पेपर सिज़र. हाय गर्ल्स. ओह हाय मंशा. व्हाट्स अप? You know, जब हम लास्ट ईयर स्टेट्स गए थे, वहां हम ज़ैन मलिक से मिले थे. ज़ैन मलिक से? वाओ, हाँ, अमेजिंग. निशा, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? या, आई लव बुक्स. दैट्स ग्रेट. आपको भी? बहुत ज्यादा. आपका फेवरेट राइटर कौन है? मेरा फेवरेट राइटर नसर मुस्तफा. अंकल नसर? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग ज़ैन के फैन हो. और वो तो यहाँ बहुत आते हैं, बल्कि अभी भी यहीं पे है. मैम करुण ने कॉफी लेके आई हूँ, आपके लिए लाऊं जूस? नहीं, चलो गर्ल्स, मैं भी उनके पास जाती हूँ, फिर आऊंगी. हैव फन. बाय मंशा. बाय. वेरी नाइस, बहुत अच्छी लाइन लिखी है. राइटर तुम अच्छे, बस थोड़े से छिछोरे हो. थैंक यू.
हे मंशा। हाय मिसेस तासीर। क्या मिसेस तासीर, फलक कहो मुझे, आओ बैठो। हेलो मंशा आरिफ। हाय। बैठो ना। नहीं मिसेस तासीर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप प्लीज बैठिए, वैसे भी मैं इनके साथ बैठ के काफी बोर हो रहा। और अब तुम्हें बोर करने का प्लान है इसका, बैठ जाओ प्लीज। यार एक तो तुम कभी भी मेरी कोई फ्रेंड ना बनने देना। एक्चुअली मुझे आप ही का इंतजार था, कुछ स्टोरीज है मेरे पास। स्टोरीज? कैसी स्टोरीज? मैंने लिखी हैं, चाहूंगी कि आप पढ़ें। आपने? एक्चुअली मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन आई प्रॉमिस इन अ डे और टू मैं आपसे स्टोरी जरूर कलेक्ट कर लूंगा। तो फिर आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको रिमाइंड कर सकूं। हाँ श्योर, नंबर आप नोट कर लें, लिख लें 024 जी 562989। थैंक यू, चले मैं चलती हूँ। सी यू। बाय बाय बाय। पेन? इसका नंबर दे। लोग लाइन मारते हैं, तुम पेन मार रही हो। मस्ट पेन। क्या तुम हर वक्त इसी के नॉवेल्स पढ़ती रहती हो? डैड आपने नसर के नॉवेल्स नहीं पढ़े ना, एक दफा पढ़ ले तो बार बार पढ़ने का दिल चाहता है। आई एम सॉरी, राइटर्स की सिर्फ कहानियां ही परफेक्ट होती हैं, अंदर से निहायत नाखुश होते हैं, फ्रॉड होते हैं, सिंसेयर भी नहीं होते, और आई एम सॉरी उनके करियर में कोई स्टेबिलिटी भी नहीं होती। नहीं डैड ऐसा नहीं है, राइटर्स की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और वो अर्न भी बहुत करते हैं। जिन राइटर्स की आप बात कर रहे हैं वो बेचारे उर्दू में लिखते हैं। जी नहीं, राइटर्स से ज्यादा सस्ती कोई चीज नहीं होती, उनकी जो बकवास कोई सुनने को तैयार नहीं होता ना, उनको नॉवेल्स में लिखते हैं और दूसरों की बीवियों को ऐसी ही बातें करके शीशे में उतारते रहते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। मंशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस अंदर घुटन हो रही थी, सोचा बाहर आकर ताजी हवा ले लो। गुड। वो मैं, हाँ बोलो। मुझसे ना नसर का नंबर मिसप्लेस हो गया है, तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? क्यों, बात करनी उससे? हाँ मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सालों से मैं उसकी नॉवेल्स पढ़ती आ रही हूँ, दिल चाहा उसे मैं फोन कर लूँ। आई एम सॉरी लेकिन मैं उसकी इजाजत के बगैर उसका प्राइवेट नंबर नहीं ले सकती। ओके नो प्रॉब्लम। सुनो तुम कल आएगा तो खुद ही ले लेना उसे। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। गुड नाइट। चलो आरिफ, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें।
तुम कल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत जल्द तुम उसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। कोई भी पोजीशन अचीव करना इतना आसान नहीं होता रिजवान। तो ऐसे करो जैसे कभी तुम इस पोजीशन पे पहुंचे ही नहीं। द पीस ऑफ केक फॉर यू यार। कोई भी इंसान अपना नसीब नहीं अचीव कर सकता। बस ये बात साबित हो गई है कि मैं बदनसीब हूं और ये भी साबित हो चुका है कि तुम खुश नसीब हो। सब नसीबों के खेल हैं, बाकी सब बकवास। इंसान अपना किस्मत अपने हाथों से बनाता है, मेहनत। और मुझे पूरा यकीन है ये दोनों सलाहियतें हैं। माय गॉड मैम, आप तो ऐसे डर गई जैसे मैंने आपको चोरी करते हुए देख लिया। नहीं, मैं फलक को ढूंढ रही थी। कहाँ है फलक? मैम अंदर रूम में, वो बच्चों को गुड नाइट कह रही है। ओके यार, बहुत प्यास लग रही है, पानी तो ला दो। जी मैम, अभी लाती हूँ। थैंक यू। फोन का मॉडल देख रही थी। नया फोन चाहिए तो देख रही थी कि इसमें फीचर्स कौन से हैं। एक्सीलेंट। रियली? आर यू श्योर? मॉडल चेक करें। नसर का नंबर चाहिए था तो फलक थी नहीं, मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। प्लीज फलक को मत कहिएगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। नहीं बताओ। Promise. Okay. Good. Thank you. Good night. Good night. Oh. Watch it. Thanks. Save me. Yeah. करके रहिए, ये ट्राई ब्रेक है। अगर अपनी सर्विस पे गुड शॉट, अमेजिंग। जाना तुमने नोट किया है जब नसर सामने आता है तो मंशा के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो जाते हैं? हाँ, इसकी फैन जो है। हाँ फैन तो है। I think she likes it. नहीं, सिर्फ फैन और कोई बात नहीं है। नहीं, जब वो उसको देखती है एकदम एक्साइटेड हो जाती है। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, उसको पसंद करने लगी है? मगर मंशा को नसों से बचाना चाहिए। वो क्यों? भाई एक तो बड़ा फेमस राइटर है, ऊपर से रोमांस लिखता है, बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश है कि वो उसके साथ हो। वो एंजॉय करता है, उसे पता है ये बात। मुझे कहीं डर है मंशा को हर्ट ना करना। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन असर के लिए बिल्कुल गलत है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा नहीं है। वो उनमें से नहीं है जो लोगों को यूज करे, कभी भी उसने अपने स्टार्डम का फायदा नहीं उठाया। तुम तो ये कहोगी तुम्हारा दोस्त जो ठहरा। नहीं, ये बात नहीं कि मेरा दोस्त है, अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है। और पता, मैंने कभी उसको कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। जी जी, फरिश्ता है वो। चलो Thank you.
हेलो, तो आखिर आपको मेरे नंबर का पता चल ही गया? आपको कैसे पता चला? आप जब आएंगे ना तो मैं आपको अपनी स्टोरीज दे दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट। आपने नंबर डिस्कनेक्ट नहीं किया? ओह अच्छा, मुझे फोन डिस्कनेक्ट करना था तो ये पहले बताना था ना। एनीवे गुड नाइट। ओके गुड नाइट। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? पूछो ना। मिस्टर तासीर और आपकी लव मैरिज थी? हाँ जाहिर है लव मैरिज थी। वाओ, तो शादी से पहले कितना अरसा आप दोनों के बीच सिर्फ मोहब्बत रही, वो वक्त कैसा था? बहुत हसीन वक्त था। पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा हर हर लम्हा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत खुश थी मैं, अब भी खुश हूँ। और इसका सारा क्रेडिट जो है रिजवान को जाता है, उसे मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और ये रिंग भी आपको मिस्टर तासीर ने दिया? ही जब उसे मुझे प्रपोज किया था तब दी थी ये रिंग। मैं देख सकती हूँ? या शो, इट्स सो क्लासी। मिस्टर तासीर का टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन तुम रिजवान को मिस्टर तासीर क्यों कहती हो? अच्छा खासा तुम्हारा रिश्ता है। यहाँ आने से पहले मैं आप लोगों को नहीं जानती थी, और गोरों में अंकल और आंटी कहलवाने का रिवाज नहीं है एक्चुअली। हाँ। लेकिन आप चाहेंगी कि मैं आपको आंटी कहूं? या आई डोंट माइंड, लेकिन आई थिंक फलक ठीक है। आई एग्री, ठीक है। बच्चे नजर नहीं आ रहे? हाँ वो आज स्कूल गए हैं, उनकी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस। स्वीट। फलक तो शायद नशा के साथ ही होगी। मेरा मतलब है कि शूट पर होगी ना, नसर भी तो वहीं होगा। I'm sorry guys, थोड़ी देर होगी हमें आने। हेलो। हाय। कैसा रहा? मिसेस नासिर, आपकी शूट कैसी चल रही है? आप कितनी लकी है ना, आप वही काम करती हैं जो आप एंजॉय करती हैं, जो आपका पैशन है। That's so nice. वैसे that's true. लकी तो वाकई बहुत नहीं है, खूब एंजॉय करती है। घर में क्या रखा हुआ है, रिजवान भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते, शूट पर कम से कम नसर तो होता है ना, वक्त अच्छा कट जाता। जहां तक फलक को मैं जानता हूं, ये अपना काम बहुत एंजॉय करती है, ईमानदारी से करती है। हेलो, चेक तो मैंने भेज दिया था, बाउंस हो गया। कैसे? नहीं मैं कुछ करता हूं। हाँ हाँ सब ठीक है, बस वो छोटी सी गलतफहमी हो गई।
भाई वो राइटर ही क्या जिसका चेक बाउंस ना हो। रिजवान यार वो मंशा मुझे कह रही थी कि मंशा घर बैठे बैठे बोर हो जाती है, वो चाह रही थी कि कुछ बिजी हो जाए तो मैं ज्वाइन कर ले ऑफिस में। गुड, पता है वो तुम्हारी सुपरविजन में काम करना चाहती है। मैंने तो उसको कहा कि तुम खुद बात कर लो, लेकिन अभी फिलहाल घबराती है ना तुमसे। क्यों मंशा? इसमें घबराने की क्या बात, कल सुबह मैं ऑफिस जाऊं कैसा चले। सी सो सिंपल। ओके शांति जान। हम्म, मैं पूरे दिन इसी लम्हे का इंतजार करता हूं। तो मेरे पास हो, मेरी बाहों में, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ना कोई फोन कॉल, ना कोई मीटिंग्स, ना कोई दोस्त, और ना ही तुम्हारी शूट्स। बस मैं यूं ही अपने दिल की बात तुमसे कहूं, तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं तुम्हें सुनूं, तुम मुझे सुनो। ठीक है, कहो, मैं सुनती। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्यों ना हम दोबारा हनीमून पे चले? सीरियसली, बड़े दिनों से कहीं नहीं गए हमने। ठीक है, चलते बच्चों के साथ। सिर्फ मैं और तुम, बच्चे नहीं। हेलो रानी। हेलो सर। एक काम करो, फलक को कहो कि मैं आ गया हूं। जी सर, बैठे आप। यार, इस बच्चे को क्या हो गया, डिस्टर्ब करने आ गए। देख लेने, तभी तो कह रहा था कि सिर्फ मैं और तुम हनीमून पे चलते हैं। क्या बात है? सर वो नेसा सर आए हैं, मैम को बुला रहे। ओ अच्छा, ठीक है तुम जाओ। नसर आया भाई। I'm sorry, मैं बताना भूल गई, मुझे उसके साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करनी थी जाना। यार ये कौन सा वक्त है आने का? चलो उसकी बीवी नहीं, तुम्हारा तो शोहर है ना। I'm sorry, no. सर मैंने बता दिया है, मैम आ रही है। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं थैंक यू। जाओ जल्दी आना। ऐसा ना हो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाऊं। स्क्रिप्ट भी लेकर आए? एक तो तुम डायरेक्टर लोग भी अजीब होते हो, शूट से एक रात पहले आके कहते हो कि ये सीन्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। मामूली से हैं, कर दो। मैं जैसे मुझे पूरी जिंदगी में कोई और काम ही नहीं है, मैं क्या पूरी जिंदगी बैठ के तुम्हारे ये छोटे छोटे चेंजेस करता रहूंगा? अच्छा तुम्हें और काम भी होते हैं? है सीरियसली? मैं रात के 12 बजे इस वक्त यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा काम कर सकूं, लेकिन तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा अब ये ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं, मैं स्क्रिप्ट लेकर आती हूं, काम शुरू करते हैं। वन सेकंड। आरव साहब आप जाग रहे हैं? आप सोए नहीं?
क्यों? इस वक्त क्या सिर्फ आप ही को काम हो सकता है? अच्छा बाय द वे, इस वक्त आप यहां क्या कर रहे हैं? काम था कुछ फलक से। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यही वक्त होता है जिस वक्त फलक और रिजवान एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। और आप आकर सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर रहकर काम करना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए। डोंट यू थिंक सो? बाउंड्रीज तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये मेरा और रिजवान का पर्सनल मैटर है कि हम एक साथ एक दूसरे को कितना वक्त दें, कौन सा वक्त हमें एक साथ होना चाहिए और कौन सा हमें काम को देना चाहिए। आप इसमें ना ही बोले तो अच्छा होगा। अरे मैं तो आप ही की भलाई के लिए बात कर रहा था, लेकिन आई बिलीव आपको अपनी भलाई आजकल कहीं और दिखाई दे रही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, वैसे ही दोस्त से हमदर्दी कर बैठा। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट इस घर को आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहे, सबके लिए अच्छा हो। हमदर्दी की जरूरत आई थिंक आपको है, जो ऑलरेडी हम आपके साथ कर रहे हैं। ख्याल है यार वाकई देर हो गई है, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, इस शख्स से बकवास ना की होती तो शायद मैं तुम्हें जाने देती। अब तुम यहीं बैठ के पूरा काम खत्म करके जाओगे, चाहे पूरी रात क्यों ना लग जाए। मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। अब लोग मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है, अपने शोहर को कितना टाइम देना है, उससे पूछ के देना है, उसके बगैर देना है। काम शुरू करते हैं, बैठो। रिलैक्स यार, होती है।
कर दिया इन लोगों ने। देख लिया अपने दोस्त को, अब हमारे जाती मामलात में भी बोलने लगे। मुझे तो लग रहा है कल को हमारे फैसले भी वही करेगा, तुम्हें और मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसने कोई गलत बात नहीं की, ठीक ही तो कह रहा था। ठीक कह रहा था? अगर ठीक भी कह रहा था रिजवान, उसे मेरे गेस्ट की इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो तुमने भी तो उसकी इंसल्ट की। मैंने क्या इंसल्ट की? मैं उसको शट अप कॉल भी नहीं दे सकती, बात भी नहीं कर सकती उससे। कमान जाना छोटी सी बात थी, और घर में छोटे छोटे इशू होते रहते हैं, इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। आपका घर बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने इमेजिन किया था। सारा दिन दूसरों की बीवियों के साथ घूमता रहता है। क्या? जी, वो दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में आए हैं। राइटर्स की बातों में आने की जरूरत नहीं, इनके अल्फाज तो खोखले होते हैं और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर की मालकन बनकर रहो। सोचो कि तुम्हारी शादी इस वक्त तासीर से हो जाए।